हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट को लेकर फर्जी नोटिफिकेशन और फर्जी न्यूज वायरल हुई है, जिसको लेकर आज रेलवे अधिकारी के दौरान अजमेर न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी है कि सोशल मीडिया पर रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी पर जो तिथि वायरल हो रही है वह फर्जी है और रेलवे अधिकारी के द्वारा रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कब लिया जाएगा इसकी जानकारी इस न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं फर्जी नोटिफिकेशन और फर्जी न्यूज जिस प्रकार से वायरल किया गया था, जिसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि इस तरह का नोटिफिकेशन सही है या गलत, जो कि हमने आप सभी को जानकारी दिया था कि इस तरह का नोटिफिकेशन जो वायरल हो रही है वह 100% गलत है, जो आज अजमेर न्यूज़पेपर के माध्यम से गुरुवार 12 दिसंबर 2019 को यह नोटिफिकेशन जो वायरल हुई थी उसके लेकर आज न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी है और उसमें बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा की फर्जी तिथियां वायरल हुई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नहीं की है अधिकृत तिथियों की घोषणा, यानी रेलवे भर्ती बोर्ड ने अब तक रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट की घोषणा नहीं की है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के भ्रामक और गलत वीडियो और जानकारियां वायरल हो रही है, जबकि बोर्ड की ओर से ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षाओं को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। विभिन्न सोशल मीडिया और ग्रुपों में अलग अलग वीडियो और नोटिफिकेशन वायरल हो रही है। एक नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि एनटीपीसी की परीक्षा 28 मार्च से प्रारंभ होने जा रही है। यह नोटिफिकेशन रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन की ही हूबहू काफ़ी मिलती है, यानी उसी तरह मिल रही है। इसकी भाषा और बनावट बिल्कुल बोर्ड की ओर से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन जैसी है और इसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। और इसमें बताया गया है कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी 13 मार्च से परीक्षा की तिथि और परीक्षा केंद्र के शहर का नाम देख सकते हैं और ट्रेवल पास भी 13 मार्च को जारी किया जाएगा, जबकि ई कॉल लेटर परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा 28 मार्च से 30 अप्रैल तक चलेगी। यह नोटिफिकेशन को अभ्यर्थी सही मानकर परीक्षा की तैयारी में जुटने का मानस बना रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन गलत है। बोर्ड सूत्रों का कहना है कि फिलहाल एनटीपीसी अथवा रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा तिथि को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं परिणाम और पैनल सहित अन्य किसी भी प्रकार की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल भर्ती बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर ही दी गई जानकारी को अधिकृत माना जाएगा। इन दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की जो भी जानकारी होगी वह आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर आपको जानकारी मिलेगी और ऑप्शन नोटिफिकेशन पर बहुत ही जल्द जानकारी दी जाएगी, जो रेलवे अधिकारी ने कहा है कि इस महीने ही हो सकता है घोषणा, यानी बोर्ड की ओर से इस माह के अंत तक एनटीपीसी परीक्षा को लेकर अधिकृत घोषणा की जा सकती है। अब यह तय हो गया है कि यह परीक्षा अगले साल ही होगी और परीक्षार्थियों को भी तारीखों का इंतजार है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस प्रकार से फर्जी नोटिफिकेशन वायरल हो रही है तो बहुत ही जल्द रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। वहीं रेलवे एनटीपीसी की बात करें तो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम फरवरी के अंत में या मार्च के शुरू में रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ही रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को हमेशा 100% सही जानकारी मिलती रहेगी और मिल रही है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।